अभी के लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि अरमान और कृतिका बहुत ही चतुराई से बाहर वाले को ढूंढने में लग गए हैं। हाँ जी, वो बातों ही बातों में घर वालों से बात कर रहे हैं और सबको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मतलब उन सबको देख रहे हैं कि कौन हो सकता है बाहर वाला। अरमान तो बार बार सबसे जाके पूछ भी रहे हैं कि अगर तू डिटेक्टिव बना तो तू कैसे क्वेश्चन पूछेगा वगैरह वगैरह। और अरमान वैसे भी बहुत दिमाग वाले हैं, वो तो पता लगा ही लेंगे कि कौन है बाहर वाला। पिछले टाइम भी अरमान ने सही गैस किया था कि कटारिया है बाहर वाला, तो इस बार भी अरमान जो है सही गैस करेंगे। और इन सब के बीच में एक और चीज़ बता दूँ कि अरमान और कृतिका का एक नया गेम प्लान स्टार्ट हुआ है कि जितना स्क्रीन टाइम हम ऑडियंस को देंगे उतना हम फेमस होंगे, जितना हम बवाल करेंगे, जितना हम झगड़ा या जो भी हम करेंगे उससे हम ज़्यादा दिखेंगे। तो अरमान कृतिका को बातों ही बातों में ये हिंट दे रहे थे कि तू जितना कुछ करेगी ना उतना तू दिखेगी, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला। तो इसका मतलब तो यही है, मतलब जो विशाल पांडे के साथ जो इंसिडेंस हुआ, क्या पता वो जानबूझ के हुआ हो ताकि स्क्रीन टाइम लोगों को, मतलब उन दोनों को ज़्यादा मिले, अरमान कृतिका को ज़्यादा स्क्रीन टाइम लिखे और बिग बॉस उन्हें ज़्यादा दिखाए और वो लोग ज़्यादा और फेमस हों, ये भी हो सकता है एक रीज़न। और बट कृतिका अरमान का जो गेम प्लान है ना, घर वाले अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। वो पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा सबको नोटिस करते हैं और गेम प्ले करते हैं।